मुखिया, पूर्व मुखिया जो अभी थे वो तो हम लोग को देखने भी नहीं आया था, बोल रहा था कि मुस्लिम का कोरोना है जी। मेरा नाम है योगेंद्र वर्मा, मैं भंडारो पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ जी। तो आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? जनता के बीच आए हैं कि पिछले आज 11.5 साल हो गया जो हमारे पंचायत में दो दो मुखिया प्रत्याशी जीते, लेकिन कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया। इसलिए आज सारा जनता हमारे साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जिस तरह हमारे साथ अभी हैं उन लोगों का विश्वास का उल्लंघन नहीं होगा। तो भंडारो पंचायत की जनता आपको क्या काम की है, उसके लिए क्या भंडारो पंचायत की जनता आपको वोट क्यों दे? भंडारो पंचायत में, खासकर हमारे भंडारो ग्राम में जितने भी गरीब मजदूर हैं, विधवा हैं, पिछले जो लॉकडाउन हुआ उसमें लोगों को हमने बहुत साथ दिया है, बहुत मदद किए हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। जिनके पास अनाज नहीं थे उनका अनाज का उपलब्ध करवाए हम, मतलब जो सेवा हमसे मिला उन लोगों को, जितना मदद मिला हम उन लोगों को मदद किए हैं। जिसके पीछे आज उस समय, अभी तो हमारे यहाँ 12 प्रत्याशी हैं, लेकिन उस समय इन लोगों के दुख में 11 प्रत्याशी नहीं थे, उसमें सिर्फ हम ही थे, सिर्फ योगेंद्र वर्मा। अपने पंचायत में, अपने ग्राम में कोरोना के डर से लोग आते नहीं थे इन लोगों के पास कि नहीं सब मुस्लिम को कोरोना हो गया है, वहाँ नहीं जाएंगे। उस समय इन लोगों के पास सिर्फ योगेंद्र वर्मा, दुख सुख में हम काम आए हैं। पूर्व मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? उसका कार्यकाल में तो लोग नाराज़गी है, ऐसा कोई कार्य जो किया ही नहीं है जो जनता के बीच वो जा सके, कार्य किया ही नहीं है। कार्य अगर किया रहता, अरे पीएम आवास तो सरकार का है, अब 2011 का है, जितना आदमी का नाम था सेक डाटा में सिर्फ उसका आवास दिया गया है, और आवास के पीछे में बहुत राज है। जो लोगों से शिकायत मिलता है, अभी पंचायत जाते हैं भ्रमण में तो बोलता है कि हमसे 5,000 ले लिया है, कोई बोलता है 7,000 ले लिया है, कोई बोलता है कि मेरा मनरेगा का पैसा निकाल लिया है। पूछने जाते हैं तो बोलता है कि नहीं कहाँ चला गया हमको पता नहीं है। ये लोगों का समस्या है हमारे पंचायत में। तो इस भंडारो पंचायत कृषि आधारित है, तो इसके लिए आपका क्या योगदान है? यहाँ के किसानों के लिए मैंने जो काम किया है, लोगों के लिए जिसने हमको सहयोग मांगा कि आज आपको ब्लॉक जाना है, हम लोगों के साथ पेयजल की समस्या है, हमारे किसान को सिंचाई की समस्या है, तो मैंने यहाँ कई लोगों का पंचायत में, अपने गांव में सरकारी कुआं, सिंचाई कूप का निर्माण कराया है, तालाब का निर्माण करा दिए हैं जिसमें पानी रहता है। ये हरियाबाद में 100 बाय 150 का मैंने तालाब मनरेगा के तहत, यहाँ के मजदूर, हमारे मुस्लिम समाज में मजदूर हैं, इन लोगों से मिल करके बहुत सहयोग मिला मजदूर का यहाँ का, हमको जो इनको कार्य किया है उसमें तो आपका योगदान रहता है मुखिया का, तो आप किस आधार पर किए? मुखिया जो है कार्य नहीं कर रहे थे, हम मेट थे उसमें, मेट के माध्यम से हमारे नाम से स्वीकृत था, हम अपने से काम कार्य करवाए हैं, जिससे लोगों का सिंचाई आज अच्छा हो रहा है, पानी का रुकावट होता है, पानी रहने से लोगों का गेहूं का भी फसल, वहाँ सब्जी का फसल ये बढ़िया से हो जाता है। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप सब पहले प्राथमिकता किस काम को देंगे? अगर पंचायत में इस बार हमें अगर मौका मिला, जनता का साथ मिला, तो लोगों का पहला समस्या रहेगा पेयजल। यहाँ है, हम चाहेंगे कि लोगों का पेयजल का समस्या खत्म हो जाए, ये तो सरकार देगी, हमें पहल करना है। हमने लोगों से वादा किया है कि आप लोगों का पेयजल का समस्या समाधान जो है हम करेंगे। उसके बाद लोगों का समस्या है पूरे गांव में, जहां जहां देखिए तो कचरा का अमार पड़ा हुआ है। वजह क्या है? नाला, आज नाला नहीं है जिसके कारण से लोगों का समस्या होता है, उससे गंदगी फैल रहा है, गंदगी फैल करके बीमारी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो मैंने लोगों से कहा है, जनता से अपना कहा है कि
हम आने के बाद पहला समस्या रहेगा मेरा पेयजल, पेयजल कुआं चापानल, उसके बाद कचरा को हटाने के लिए रोड के किनारा में सरकारी जगह पर नाला का निर्माण कराना है। अंतिम सवाल है, जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से बहुत निवेदन है मेरा, बहुत उम्मीद के साथ उन लोगों ने अगले बार हमें चाहा है, लेकिन कुछ कारणवश कुछ नज़दीक आ करके भी हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। इस बार जनता हमारे साथ है, इस बार जनता हमें चाह रही है कि नहीं, इस बार मौका आपको दिया जाएगा। इसलिए मौका दिया जाएगा कि काम हम लोगों का 5 साल में कुछ हुआ नहीं, आप आइएगा तो हम लोगों का विकास होगा। इसलिए मैं जनता से कहूँगा कि मुझे एक बार मौका दे, अगर हम विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद हमें भी हटा दिया जाएगा, यही हमें जनता से उम्मीद है। क्या नाम हुआ, आप किस गांव से हैं? हम भंडारो पंचायत से हैं, मेरा नाम सगीर अंसारी है जी। तो आप किसको मौका दे रहे हैं इस बार? इस बार ओगिंदर वर्मा को दे रहे हैं। कारण क्या है वर्मा जी को मौका देने का? कारण यही है जो कि लॉकडाउन में हम लोग का बहुत साथ दिया है, उस टाइम हम लोग को काम नहीं चल रहा था, मिस्त्री का, हम लोग मिस्त्री लेबर मजदूर हैं जी। तो हम लोग का व्यवस्था किया है, राशन का बहुत सा साथ दिया है, खाना पीना का हम लोग का व्यवस्था भी किया है जी। हमारे मुखियापुर मुखिया जो अभी थे वो तो हम लोग को देखने भी नहीं आया था, बोल रहा था कि मुस्लिम का कोरोना है जी, इसलिए नहीं आ रहा था। हम लोग को ओगिंदर वर्मा बहुत साथ दिया है, उम्मीद है वर्मा जी विकास करेंगे। हाँ विकास तो करेंगे, पूरा उम्मीद है। जब नहीं थे उस टाइम भाई आम जनता था, जब इतना साथ दिया, जब कोई चीज़ हम उसको बना देंगे तो कितना साथ देगा वो। पहले आपका नाम क्या हुआ और किस गांव से आप हैं? हम भंडारो पंचायत से हैं, भंडारो गांव से। क्या मुख्तार अंसारी नाम है मेरा। वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? जितना अच्छा हम लोग उम्मीद करते थे, चाहते थे कि काम होगा, विकास होगा, उतना अच्छा रहा नहीं। अपना नाम बताइए और किस गांव से आप हैं? भंडारो पंचायत से हैं। किस गांव से? भंडारो पंचायत से। भंडारो, भंडारो का नाम क्या हुआ? मोफिज अंसारी। विकास के बारे में क्या कहना है? विकास के बारे में क्या कहना, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ विकास। नहीं हुआ नहीं।